वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ट्विटर पैगाम में लिखा, हमले नाकाम बनाने पर अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम हमारी हिफाजत करने और कुर्बानियां देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज आला सतह वफ्द के हमराह चीन रवाना होंगे। वज़ीर-ए-इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है, दौरे का मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी है। इमरान खान चीनी सदर और हमनसब से मुलाकात करेंगे, सरमायाकारों और ताजिर कम्युनिटी से भी मिलेंगे। मजीद बोले, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तान को $1 अरब फौरी जारी होंगे। IMF का एलामिया, कहा गया कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मालियाती इस्तेहकाम लाएगी। मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह 10% से ज़ायद है। रवां साल मालियाती खसारा मईशत का 7% हो सकता है। सरकारी इदारों के नुकसान और तवानाई के गर्दिशी कर्ज पर काबू पाना बड़ा चैलेंज करार दिया। नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत शरह 9.75% रही। मुजफ्फराबाद 44.7% मुस्बत केसेस के साथ सर फहरिस्त। पेशावर में मुस्बत शरह 24, कराची में 18, लाहौर में 12.7 और इस्लामाबाद में 11% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर मजीद 9 तालीमी इदारे सील। लाहौर में बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की किल्लत बरकरार। शहरियों को पैनाडोल के हुसूल में शदीद मुश्किलात। कोरोना में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली रिथ्रोमाइसिन साल्ट की गोली भी नायाब हो गई। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज। एक रोज में 15 लाख से ज्यादा डोजेस लगाई गई। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, आज से वैक्सीनेशन सेंटर्स और DHO ऑफिस को भी बंद कर दिया गया। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का 2 माह से OPD समेत इंडोर सर्विसेज का बायकॉट जारी है। हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। लाहौर, गुजरांवाला समेत कई शहरों में अबरे करम बरसने से सर्दी बढ़ गई। सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में आज भी तेज हवाएं चलती रहेंगी। शफाफियत के साथ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवा रहे हैं। वहाँ भी गए जहाँ कोई नहीं गया और वहाँ भी काम करवा रहे हैं जहाँ कोई काम नहीं हुआ था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बार्थी में कबायली मुआहिदीन और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका से खिताब। उस्मान बुज़दार का तौंसर शरीफ में पनाहगाह का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया, पनाहगाह में मुकीम अफराद के साथ खाना खाया। वफाकी दारुलहुकूमत के ईंटों के भट्टों पर जबरी मुशक्कत रोकने के लिए बड़े इकदाम। इस्लामाबाद में भट्टा मालिकान के लिए जबरी मुशक्कत न लेने का बयान हल्फी लाजमी करार। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट की बिना पर दरख्वास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए, कोई शिकायत मौसूल हुई तो पिटीशन बहाल हो जाएगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पोर्शंस में गैस, बिजली और पानी के कनेक्शंस फराहम ना करने का हुक्म भी दिया। SPCA को बिल्डर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की भी हिदायत। 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। महंगाई के सताए ममालिक की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। ओपेक का तेल की पैदावार बढ़ाने से इनकार। फैसले के बाद खाम तेल की कीमतों को फिर से पर लग गए। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की फी बैरल कीमत 31 सेंट बढ़कर 89.47 डॉलर हो गई। उधर पाम ऑयल की कीमत में भी मजीद इजाफा। आलमी मार्केट में पाम ऑयल $1,389 फी टन हो गया।
PSL 7 में लाहौर कलंदर्स की दूसरी जीत, पेशावर जलमे को 29 रन से हरा दिया। कलंदर्स ने फखर जमान की 66 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत 199 रन बनाए। जलमे के खिलाड़ी कई चांसेस मिलने के बावजूद हदफ के ताकुब में नाकाम रहे। इवेंट में आज एक मैच शेड्यूल, शाम 7:30 बजे कोटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आमना सामना होगा। सेनेगाल ने अफ्रीका फुटबॉल कप ऑफ नेशंस के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में बुर्किना फासो को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला आज कैमरॉन और मिस्र के दरमियान होने वाले मैच में होगा। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के अंबार लग गए। शहरियों ने गुज़िश्ता 6 माह में 37 महकमों के खिलाफ 7,62,000 शिकायत दर्ज करवाईं। ज़राए के मुताबिक 6,61,000 दरख्वास्तें निपटा दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ नवाज संग्रा से। जी नवाज संग्रा, बताइएगा कि इन शिकायत का अजाला अभी तक क्यों नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से मुतारफ़ करवाया जाने वाले पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर जो है पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई हैं। गुज़श्ता 6 माह जो है उसमें 7,61,000 शहरी जो है उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई हैं। पहले नंबर पर जो है वो एनर्जी एंड पावर का सेक्टर है, जिसके खिलाफ 1,34,000 शहरी जो हैं उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई हैं। दूसरे नंबर पर म्यूनसिपल सर्विसज़ और तीसरे नंबर पर एजुकेशन का सेक्टर है, जिसके खिलाफ जो है वो 71,000 शहरियों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई हैं। उसके अलावा जो है वो FIA नादरा और FBR के खिलाफ जो है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। उसके साथ साथ जो ज़मीनों पर कब्जे हैं उस हवाले से बड़ी तादाद में शिकायत जो है वो वफाकी हुकूमत को दर्ज करवाई गई हैं। उसके अलावा जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरू करदा 3 बड़े मनसूबे, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, सेहत इंसाफ कार्ड है और कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, इसके इन तीनों शोबों के खिलाफ भी जो है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरियों ने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत मौसूल होने वाली शिकायत हैं उनमें से बड़ी तादाद में शिकायत जो हैं वो निपटा दी गई हैं, जबकि 1,00,000 से ज्यादा शिकायत जो हैं वो ताहाल पेंडिंग हैं। जी बहरे मईशत फरूख सलीम ने कहा है कि IMF की नई किस्त से मुल्क और आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा, मुल्क पर मजीद कर्ज चढ़ा है, इस पर खुश होना चाहिए या अफसरदा? मिनी बजट में 350 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए, बिजली महंगी की गई, 800-900 अरब रुपए का पाकिस्तानियों पर बोझ पड़ा। इस जिदोजहद के नतीजे में हमें 1 अरब डॉलर मिल रहे हैं। देखिए, हम IMF के मेंबर हैं 1950 से और पिछले 71 साल में हमने कोई 23 प्रोग्राम उनसे हासिल किए हैं, लेकिन अभी जो प्रोग्राम वापस रिवाइव हो रहा है, जितनी पाकिस्तान को आप समझिए कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जितनी नाक रगड़नी पड़ी है, यानी कि आपको याद है कि एक मिनी बजट आया था जिसमें 350 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे, फिर हमने वादा किया कि हर महीने जो है वो 4 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, फिर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई और फिर स्टेट बैंक का वो जो आज़ादी और खुद मुख्तारी का बिल लगाया गया। अगर सब चीज़ों को जमा कर लें तो तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का एक इजाफी बोझ है जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे लगा है, जिसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी खानदान जो है उसके ऊपर 30,000 रुपए का एक इजाफी बोझ हुकूमत ने डाला है और अब हमें मिलने चला है $1 बिलियन उस सारी जिदोजहद के नतीजे में। और फिर बहुत बड़ा सवाल कि क्या हमें खुश होना चाहिए? अब हम देखेंगे कि हुकूमती वज़रा जो है वो एक दूसरे को मुबारकबादी का पैगाम देंगे। इजाफी कर्जा चढ़ाया जा रहा है रियासत पाकिस्तान के ऊपर, क्या उसके नतीजे में हमें खुश होना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए या मजीद अफसरदा होना चाहिए?